वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड, और हम पहले सबसे पहले डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन उसके बाद हम सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, देन उसके बाद हम जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे। ऑडिबल है ये? हेलो हेलो हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है डिमांड। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड के मीनिंग को बताइए। मेरा सबसे पहला सवाल आपके साथ में यही है कि बताइए डिमांड किसे कहते हैं, किस चीज को डिमांड कहेंगे। तो एक बहुत जनरल सा आंसर जो बच्चों का आता है वो यही आता है कि सर किसी भी गुड्स की या कमोडिटी की जो हम डिमांड करते हैं वो हमारा क्या होता है, डिमांड होता है। अगर आप ये आंसर कर रहे हैं कि किसी भी कमोडिटी की जो आप डिमांड करते हैं वो आपका डिमांड में कंसिडर हो जाएगा, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है कि आप जो सबसे पहले तो आप इस बात को समझिएगा, आप किसी कमोडिटी की डिमांड आपने अपनी लाइफ में आज तक नहीं की है, ठीक है। आप कभी किसी कमोडिटी की डिमांड नहीं करते हैं, आप बेसिकली कमोडिटी की क्वांटिटी का डिमांड करते हैं। मेरी बात आप समझिएगा, अगर आप एक मार्केट में पहुंचते हैं तो आप मार्केट में पहुंचते हैं तो पूरी मार्केट पूरी बाजार नहीं खरीद लेते हैं, आप उसमें से कुछ क्वांटिटी की ही डिमांड आपकी रहती है। तो बेसिकली सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि जो आपकी डिमांड है कोई कमोडिटी नहीं है, उस कमोडिटी की क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राइस लेने के लिए भी किसी परचून की दुकान पर अगर आप जाते हैं, तो वहां पर अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि मुझे राइस दे दो, सिर्फ कमोडिटी का नाम मेंशन कर देंगे, तो वो आपको नहीं दे पाएंगे। वो आपसे पूछते रह जाएंगे कि भैया कितनी देनी है, आप बस यही बोलते चले जाइए राइस दे दो राइस दे दो, वो आपको नहीं देंगे। क्लियर है? वो आपको एक टाइम पर आपके हाथ जोड़ करके बोलेंगे जी मैं आपके जो है मैं आपको जो है वो नहीं फुलफिल कर सकता हूँ, वो मैं नहीं दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि डिमांड, कोई कमोडिटी डिमांड होती ही नहीं है किसी की, डिमांड होती है उस कमोडिटी की क्वांटिटी। क्लियर है? अगर आप जाते हैं राइस लेने तो आप कहेंगे 50 किलो चावल दे दो, तो चावल में से जो 50 किलो क्वांटिटी आप ले रहे हैं वही आपकी डिमांड है। पूरी दुनिया की तमाम जितनी राइस है वो सब के सब आपकी डिमांड नहीं हो गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज को एनालाइज कीजिए और सोचिए और समझिए, आज तक आपने जितनी भी कमोडिटी की डिमांड की है या फिर आपने आज तक कमोडिटी की क्वांटिटी की डिमांड की है, आपकी जो डिमांड रही है वो कमोडिटी नहीं रही है, कमोडिटी की क्वांटिटी रही है। तो पहली बात तो ये समझ जाइएगा कि डिमांड क्या होता है, ठीक है, कमोडिटी या कमोडिटी की क्वांटिटी, कमोडिटी की क्वांटिटी। अब बात करते हैं, अगर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो पहले इस बात को समझिएगा, जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी के केस में वो क्वांटिटी कंसीडर नहीं होगा जो कि आपने अब तक पहले से अभी तक किया है, या फिर वो क्वांटिटी भी कंसीडर नहीं होगा जो आप आने वाले भविष्य में करने वाले हो। एट प्रेजेंट उस समय जो आप क्वांटिटी ले रहे हो, अगर आप एक दुकान पर जाकर के 50 किलो राइस ले रहे हैं तो उस समय आपकी डिमांड में 50 केजी राइस ही कंसीडर किया जाएगा, इससे पहले कितना लेके जा चुके हो या इसके बाद कितना लेके जाओगे उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो एक तो क्वांटिटी इसमें मेन पॉइंट है, और दूसरी बात वो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में होनी चाहिए, वो भी किसमें होनी चाहिए, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में होना चाहिए, और उसके बाद जो है क्वांटिटी के बाद गिवन पीरियड ऑफ टाइम में होना चाहिए। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि दूसरी बात यह है कि वो जो है आप रेडी होने चाहिए बाय करने के लिए, रेडी टू बाय, आप उसको खरीदने के लिए तैयार भी होने चाहिए। क्यों? मान लीजिए आपको एक ब्रांडेड चीज नजर आई, 1000 रुपए की आपको शर्ट नजर आई, ठीक है, वो आपसे पूछते कि सर आपके पास वो 1000 रुपए का, आप कहते हो जी 50 रुपए का लगा दो,
तो वो आपको पता है कि वो आपको बिल्कुल भी नहीं देगा। इवन आपका फ्रेंड भी आपके साथ जो गया हुआ है वो भी कहेगा यार तुम्हें तो कुछ चाहिए है नहीं और ऐसी मार्केट में आ गया, मतलब उस चीज को डिमांड में कंसिडर नहीं किया गया है। तो डिमांड होने के लिए जरूरी क्या है, रेडी टू बाय, क्लियर है। खरीदने के लिए आप क्या होने चाहिए, तैयार भी, रेडी टू बाय एट गिवन प्राइस, एट गिवन प्राइस, ठीक है। आप गिवन प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार भी होनी चाहिए, ठीक है। और चौथी बात क्या है कि जिस गुड्स की आप डिमांड कर रहे हो वो गुड्स जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए, फॉर एग्जिस्ट करनी मतलब कि पॉसिबल हो। अगर आप बोलेंगे कि मुझे तारे और एक चांद दे दो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, तो उसको एज अ डिमांड कंसिडर नहीं करेंगे, क्लियर है, जो अवेलेबल भी हो बिकने के लिए। तो डिमांड क्या होता है, कॉमोडिटी होती है या क्वांटिटी होता है, और उस क्वांटिटी को आप गिवन पीरियड ऑफ टाइम में गिवन प्राइस पर बाय करने के लिए रेडी होने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तब आपका डिमांड होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आज बताइए सुबह सुबह आप क्या लेकर के आए, मान लो सुबह सुबह आपको एक बिस्किट भी लेकर आए, तो आप उस समय आपने एक बिस्किट बाय करा, क्वांटिटी भी मेंशन किया आपने, जो प्राइस था उस प्राइस पर खरीदने के लिए आप रेडी भी हुए, वो चीज अवेलेबल भी थी, तब जा करके वो आप जो एक बिस्किट आप सुबह लेकर के आए हैं उसको क्या कहेंगे, उसको एज अ डिमांड में आपकी कंसिडर किया जाएगा। तो सिर्फ डिमांड एक इतना सिंपल डेफिनेशन नहीं है कि किसको मांग लेना डिमांड कहलाता है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, आइए क्या कहता है डिमांड के बारे में समझिएगा। डिमांड क्या कहता है, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या क्या चीजें मेंशन कर रहा है, डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच एंड पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर है। तो ये सारे टर्म्स को आप अपने डेफिनेशन में डालिए तभी जा करके वो एज अ डिमांड कंसीडर होगा। तो चलिए अब आपको आज से सभी बच्चों को पता लग गया डिमांड क्या होता है, कोई कॉमोडिटी नहीं, कॉमोडिटी की क्वांटिटी जिसको एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में गिवन प्राइस पर आप बाय करने के लिए रेडी हो वो आपका डिमांड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एंड शेड्यूल। आपको लॉ ऑफ डिमांड बताना है, तो लॉ ऑफ डिमांड में जनरली आप एक चीज यही आप देखेंगे, आपने चीज आपने रियलाइज भी किया है प्रैक्टिकली आपने देखा हुआ है कि नियम क्या है मांग करने का, किस आधार पर मांग किया जाता है, लॉ क्या है डिमांड का। तो आप जनरली देखते हैं कि जब किसी कमोडिटी की अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो जब किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है बढ़ जाती है मार्केट में, जनरली आपने अपने साथ में देखा होगा कि जब कोई कमोडिटी है और उसकी प्राइस बाजार में बढ़ जाती है तो जनरली आप क्या करते हो, उस चीज को कम खरीदने लग जाते हो, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, क्लियर है। और जैसे ही अगर उसकी प्राइस जो है वो कम होती है तो डिमांड क्या हो जाती है, डिमांड उसकी बढ़ जाती है। तो जनरली आपने देखा है कि प्राइस जैसे ही बढ़ेगा किसी भी कॉमोडिटी का तो लोग उसकी डिमांड क्या करेंगे, कम। और प्राइस जैसे ही कम होता है बाजार में, चीज सस्ती हो जाती है बाजार में, तो लोग उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, क्लियर है। तो अब आप ये पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं, ये बात तो हम भी जानते हैं, हमने भी ऐसा किया हुआ है कि मार्केट में जब देखते हैं प्राइस बढ़ गया तो हम डिमांड कम करते हैं, देखते हैं कि प्राइस कम हो गया तो हम डिमांड उस चीज की ज्यादा करते हैं, ये तो हम करते हैं, ये तो हम जानते हैं, पर ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है, रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। आप ये सवाल अगर आपके दिमाग में है इसका जवाब आपको अगले सवाल में मैं दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी आप लॉ ऑफ डिमांड के बारे में समझिए, किसे कहते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली क्या होता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन को बताता है, किस रिलेशन को बताता है, जरा समझिए आप इस चीज को। वो बताता है आपके कि प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। प्राइस और डिमांड के बीच की अगर मैं बात करूं, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस हो गया और ये प्राइस और ये आपके क्वांटिटी डिमांडेड, तो जब प्राइस आपका बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है, कम होता है। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या फिर इनवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इनवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनवर्स डायरेक्शन में कभी भी कोई चीज मूव करती है ना तो उसको हम नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं, नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। जैसे कि प्राइस अगर यहाँ पर फॉल होगी तो डिमांड क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो इनके बीच में जरा रिलेशन को समझिए, कैसा रिलेशन है, ये रिलेशन इनके बीच का नेगेटिव रिलेशन है। तो इसलिए नेगेटिव रिलेशन को आप इनवर्स रिलेशन भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन भी कहते हैं,
और अपोजिट रिलेशन भी कहते हैं, ये एक ही बात है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है, नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी इज इनवर्स। क्लियर है जी? जो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो इनवर्स होता है। कह रहे हैं सिक्स सेमेस्टर में आप मैक्रो भी पढ़ेंगे ना? बिल्कुल जी, मैक्रो सिक्स सेमेस्टर में, लेकिन मैक्रो जो है ना उसमें एक आपको पता है कि उसमें एक नेशनल इनकम भी है। तो और क्योंकि यहां पर माइक्रो कंपेटिबली थोड़ा सा चैप्टर की लेंथ इसकी कम है और न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम में तो वहां पर आपके पास में एपी एमपीसी मतलब न्यूमेरिकल का ही अपना एक अलग सेक्शन है इस वक्त। वो जो आपने पीछे ट्वेल्थ में आपने पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ट्वेल्थ में आपने क्लोज मार्केट इकोनॉमी पढ़ी थी, वो सब मैं बात करूंगा आगे चल करके। लेकिन क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल एक अलग लेवल का, एक अलग स्टैंडर्ड का इसका न्यूमेरिकल है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल और थ्योरी को कनेक्ट किया गया है, बिल्कुल मैथ से जोड़ा गया है। तो एक तरीके से जब आप अंदर जाएंगे तो आपको मैथ्स आपको दिखने लग जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उस चीज के लिए हमें मैक्रो को टाइम पे स्टार्ट करना पड़ेगा। और आप एक बात को अच्छे से यहाँ पर समझ लीजिए, जान लीजिए कि आप अपना जो ड्यू है, जो आपका सोल है, तो आप इस चीज में बिल्कुल भी मत बैठिए कि वो एडमिशन कब लेंगे, वो रिजल्ट कब देंगे। वो आपको जो है ना, कई बार पीछे भी ऐसे हो चुका है कि जैसे कि आपके पास पे पेपर से दो दिन पहले एडमिट कार्ड निकाल दिया था, आप यकीन नहीं करेंगे, पेपर से एक दिन पहले एडमिट कार्ड आ गया, कल आपका पेपर है। तो ऐसे भी सोल में हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले आपका सेमेस्टर फाइव के सारे पेपर आपके खत्म हो जाए। जैसे ही आपके पेपर सारे खत्म हो जाएंगे, मैं बिल्कुल वेट नहीं करूंगा रिजल्ट का, मैं बिल्कुल वेट नहीं करूंगा किस चीज का, आपके एडमिशन होने का। मैं क्या करूंगा, मैं आपका सिक्स सेमेस्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि फेल होने का तो चांस आपका रहता नहीं है। माइक्रो में तो फेल नहीं होंगे, गारंटीड है, मैं आपको ये लिख करके दे रहा हूं, माइक्रो में फेल नहीं होंगे। अभी मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चंस भी बताऊंगा, अभी दो चार पांच दिन रुक जाइएगा, तो मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन माइक्रो को बताऊंगा। सिर्फ वो आप वो 20 सवाल पढ़ लेंगे तो आपका पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स सारा पेपर उसमें से ही आएगा। और एंड टाइम में टॉप उसमें से भी टॉप 15 को हम शॉर्ट करेंगे, फिर टॉप 10 मैं लास्ट के 3 डेज में बोलूंगा, ये 10 क्वेश्चन रिवीजन कर लो, ये सब चलेगा अभी आपका, ये सब इस पे आएंगे। तो मैं बात कर रहा था मैक्रो पे, क्योंकि आप फेल तो होने वाले हैं नहीं। अगर एक आधा पेपर बाय चांस ऊपर नीचे हो भी गया तो आप नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट तो हो जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि एडमिशन ले लेंगे, रिजल्ट आपका नेगेटिव आया तो क्या करोगे, रिजल्ट तो इतना नेगेटिव नहीं आएगा कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको देना नहीं पड़ेगा, वो आपको देना ही है। एक आधा अगर आपका ऐसा तो होगा नहीं, बट बाय चांस अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता तब भी देना ही पड़ेगा। तो एग्जाम खत्म हो सेमेस्टर फाइव के सारे पेपर, देन नेक्स्ट डे ही मैं मैक्रो इकोनॉमिक को मैं लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए स्पेशल रहेगा, जो बच्चे सेमेस्टर फाइव को पढ़ के सेमेस्टर सिक्स में जा रहे हैं उनका डिस्काउंट रहेगा, और बाकी बच्चों का थोड़ा सा फीस जो है जनरली वो आपकी कंपेटिवली ज्यादा ही रहेगी। चलिए, मैं बात कर रहा था किसके, मैं बात कर रहा था लॉ ऑफ डिमांड की। तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड के बारे में आप समझ पाए, लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, प्राइस और डिमांड के बीच में जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है जी। अब लॉ ऑफ डिमांड में अगर आप देखें तो ये क्या कहता है, देखिएगा एक बात और समझिए, मैं किसी कम्युनिटी की डिमांड की बात कर रहा हूं, मैं बात करता हूं डिमांड। तो डिमांड आप भी जानते हैं कि डिमांड कभी भी हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, डिमांड कभी इंक्रीज भी हो जाता है कम्युनिटी का, डिमांड कभी डिक्रीज भी हो जाता है। तो डिमांड में जो है चेंजेस आते रहते हैं, क्लियर है। इस चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन सी चीजें होती हैं, हमेशा ध्यान रखना बच्चे, डिमांड में चेंज के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। और एक चीज जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होता है वो अदर फैक्टर, वो आपका क्या होता है अदर फैक्टर। थोड़ा टेक्निक से भी पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब आपको देने, न्यूमेरिकल है आपका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में करेंगे। तो बेसिकली डिमांड हमेशा के लिए कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, डिमांड अप्स एंड डाउन रहता है, फ्लक्चुएट रहता है। उसके पीछे दो चीजें काम करती हैं, दो रीजन हो सकते हैं, या तो प्राइस ऑफ गिवन गुड्स की वजह से डिमांड फ्लक्चुएट हो रहा है, या तो फिर अदर फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं। बट ध्यान रखिएगा, एक साथ दोनों रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि एट अ टाइम एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, या तो प्राइस ऑफ गिवन गुड्स रिस्पॉन्सिबल है, या तो अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। अब सवाल आपका यह है कि सर प्राइस ऑफ गिवन गुड्स क्या है, जैसे मैं अगर इस गुड्स की डिमांड की बात कर रहा हूं तो मैं इसी की प्राइस की बात करूंगा, तो ये हो गया प्राइस ऑफ गिवन गुड्स।
तो इसकी डिमांड में चेंजेस के पीछे रिस्पॉन्सिबल इसका प्राइस हो सकता है। अगर इसका प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके डिमांड में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके डिमांड में चेंज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो इसकी प्राइस है। तो ऐसा कहते हैं कि कमोडिटी की डिमांड में जो चेंजेस आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसकी खुद की प्राइस हो सकती है, उसे बोलते हैं प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी कमोडिटी की डिमांड में जो चेंज आ रहा है उसके पीछे उसकी प्राइस ही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि उसकी प्राइस का कोई रोल ही नहीं है, उसकी खुद की प्राइस क्या कॉन्स्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, तब भी डिमांड उसकी फ्लक्चुएट होती है। मेरी बात आप समझिएगा, इस समय जो है जो गर्म कपड़े हैं, जैसे कि विंटर का टाइम आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो स्वेटर सस्ते हो गए, 10-10, 5-5 रुपए में हो गए, प्राइस कम होने की वजह से लोग उसको ज्यादा ले रहे हैं, लोग हुडी पहन रहे हैं, जैकेट पहन रहे हैं। क्यों पहन रहे हो भैया, क्यों डिमांड कर रहे हो? मार्केट में जाके पूछो तो भाई सस्ता हो गया है, 10-10 रुपए में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। इसकी डिमांड अगर बढ़ रही है आज की डेट में तो वो है वेदर। तो कई बार प्राइस रिस्पॉन्सिबल है डिमांड में चेंज के लिए, तो फिर प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। अगर प्राइस कई बार कांस्टेंट होता है और उसके अलावा भी कुछ और वजह होती हैं जिसकी वजह से उसकी डिमांड कम या जो है ज्यादा हो रही होती है, तो जब प्राइस कांस्टेंट है, उसके खुद के प्राइस का कोई रोल नहीं है और किसी और वजह से डिमांड आपका अफेक्ट हो रहा है, तो उन सभी वजहों को हम बोलते हैं अदर फैक्टर। मेरी बात समझे, वो अदर फैक्टर क्या भी आगे पढ़ोगे आप। फिलहाल आप ये समझिएगा कि डिमांड में चेंजेस के पीछे दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, और एट अ टाइम कोई एक ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर उसका प्राइस रिस्पॉन्सिबल है तो आपको लिखना पड़ेगा कि अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट है। अगर अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो आपको ये बात लिखनी पड़ेगी कि प्राइस ऑफ गिवन गुड्स क्या कॉन्स्टेंट है। क्लियर है जी, मेरी बात समझे। और लॉ ऑफ डिमांड में है ना, जब आप लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहां पर अदर फैक्टर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। अदर फैक्टर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, इसका कोई रोल नहीं रहता है, और जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो उसका प्राइस, कमोडिटी की खुद की प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड कम होती है, और प्राइस कम होने की वजह से उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। देयर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी। क्लियर है? इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है जी, लॉ ऑफ डिमांड इसी को हम कहते हैं। मेरी बात समझे, क्लियर है जी। और बहुत सारी बात आपको समझ में आएगी कि इसके वजह से क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, किससे क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए, क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स बताता है अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड। अदर थिंग का मतलब समझ में आया ना आपको, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी आर इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी है उसके प्राइस के साथ में कैसे रिलेट करती है, वो उसके साथ में इनवर्स रिलेट करती है। इट्स डिमांड फॉल्स व्हेन प्राइस राइज प्रोवाइडेड अदर फैक्टर रिमेन अनचेंज्ड। अदर फैक्टर क्या रहते हैं, अनचेंज रहता है। Thus there is an inverse relationship between the price and demand. Instance, an individual may demand 1 dozen of banana at 15 rupees per dozen. However, the demand to 2 dozen if the price of the 10 dozen. तो ये बता रहा है कि प्राइस जैसे ही कम हुआ तो क्या हुआ, डिमांड आप 1 dozen से 2 dozen करने लग गए। एक इमेजिनरी शेड्यूल से भी समझिएगा, ये प्राइस जैसे जैसे क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना प्राइस, आप देखिए प्राइस क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है प्राइस आपका, डाउन हो रहा है तो आप देखिए डिमांड क्या हो रहा है, डिमांड आपका 1, 2, 3, 4 आपका बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बात करता हूं इसके पूरे के पूरे एक शेड्यूल, और चलिए समझ लेते हैं हाइपोथेटिकल, मैं टेबल बना रहा हूं जिसमें कि मैं प्राइस ले रहा हूं और मैं क्वांटिटी डिमांडेड ले रहा हूं। क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। चलिए प्राइस में ले रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं 10, 11, 12, 13 और 14। तो आप देखेंगे डिमांड क्या होगा, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड जो है वो 100 यूनिट से आपका जो है वो कम हो जाएगा, 90, 80, 70 और 60। तो एक चीज आप देख पा रहे हैं कि प्राइस आपका जैसे ही इंक्रीज हुआ तो डिमांड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अगर प्राइस आपका डिक्रीज होता तो डिमांड आपका इंक्रीज होता। तो बेसिकली शेड्यूल आपको बता रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड के बीच में रिलेशन बता रहा है। बात करते हैं डायग्राम की, तो डायग्राम में
हाँ जी, देखिए ये आपका जो है ओरिजिन है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका यहाँ पर एक्स एक्सिस है, और ये प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस आपके, और आपके पास में एक्स एक्सिस पे जो है वो हम क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले एक बात आप समझ चुके हैं कि प्राइस और डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो एक डायग्राम में, और प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन होता है इनवर्स लॉ ऑफ डिमांड में, और जिसका भी इनवर्स रिलेशन होता है उसका डायग्राम लेफ्ट से स्टार्ट होता है, राइट डाउनवर्ड जाता है। तो डिमांड का डायग्राम कैसा बनेगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। ठीक है जी, इस तरीके से। इसमें आपको एक बात समझ में अच्छे से और आ जाएंगी क्या, कि आप देखिएगा फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप एक प्राइस पे, अगर प्राइस आपका यहां पर ये ओपी है तो डिमांड ओक्यू है। ठीक है, क्लियर है। और जैसे ही प्राइस अगर आप इंक्रीज करते हैं, तो प्राइस अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो आपका प्राइस क्या हो जाएगा, ओपी से ओपी वन हो जाएगा। प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड कर्व को टच करके नीचे आओ, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि डिमांड आपका क्या हुआ, ओक्यू से ओक्यू वन। तो प्राइस जैसे ही बढ़ा डिमांड वैसे ही कम हो गया। और दूसरी तरफ अगर आप ये देखते हैं कि प्राइस अगर आप कम करते हैं ओपी टू, प्राइस कम करते हैं तो डिमांड को टच करके नीचे आएंगे, तो आप देखेंगे आपका डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड आपका बढ़ जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे जैसे ही आपके पास में प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड कम हुआ, और प्राइस जैसे ही डिक्रीज हुआ तो डिमांड आपका बढ़ गया। तो ये आपका डिमांड कर्व का डायग्राम है जो कि आपके लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला तो बहुत बेसिक सवाल था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, आप एक शेड्यूल एक डायग्राम से आप बताएं। अब देखिएगा, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ द डिमांड शेड्यूल, तो ये चीज एक्सप्लेन हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस के बारे में समझिएगा, फिर मैं समझाऊंगा आपको रीजन बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है जी, क्लियर है। तो आप यहां पे समझेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो एक्सेप्शंस क्या होता है, कहीं कई बार ऐसी चीजें पाई गई हैं, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो जनरली तो यही कहता है कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, और प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। जैसे नवरात्रों में फ्रूट्स की डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस भी फ्रूट्स के ज्यादा हो जाते हैं, तो जनरली तो यही देखने को मिलता है। लेकिन कई बार ये नियम लागू नहीं होता है, तो वो सिचुएशन, वो स्थिति जहां पर ये नियम लागू नहीं होगा उसको हम एक्सेप्शंस कहेंगे। ठीक है, एक्सेप्शंस अलग होता है, अजम्पशन अलग होता है। अजम्पशन का मतलब होता है इन चीजों को मान के चलोगे तो ये चीजें लागू हो जाएंगी। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि यहां यहां पर ये जो आपकी चीज ये लागू नहीं होगी, उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन। क्लियर है जी, मेरी बात समझे नहीं समझे, कोई डाउट। जैसे हम कहते हैं कि भाई इंसान बहुत अच्छे होते हैं, एक्सेप्शनल केस भी नहीं भी होते हैं, ऐसे मतलब कुछ लोग नहीं होते हैं, उनको आप गिनवा दोगे जी ये लोग ऐसे हैं जो कि नहीं है, तो मतलब ये एक्सेप्शंस हो गए ना। तो एक्सेप्शन का मतलब समझ में आया, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कहां पर अप्लाई नहीं, कहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, जब प्राइस एक्सपेक्टेशन होगा ना, मतलब प्राइस के बारे में फ्यूचर में कुछ एक्सपेक्टेशन होगा, तो वहां लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां प्राइस एक्सपेक्टेशन होगा। मैं एग्जांपल के लिए एक चीज समझाता हूं प्राइस एक्सपेक्टेशन में आपको। देखिएगा, एक एग्जांपल के लिए समझिए, 2014 में अगर आप देखेंगे तो एक रूमर यह आया था कि अब गुजरात से नमक की सप्लाई होती है तो बिहार में नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार कुछ मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे थे। तो उस समय जो है ये खबर आ गई कि अब भाई मोदी जी को पसंद कर नहीं रहे, ये सच्ची बात है, 2014 की बात है ये। तो उस समय खबर ये आई थी कि मोदी जी को ये नीतीश कुमार पसंद कर नहीं रहे, तो अब नमक की सप्लाई गुजरात से होती है तो अब बिहार को नमक नहीं दिया जाएगा। मतलब एक इतना नॉनसेंस रूमर्स का भी एक, चलो कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, इतना नॉनसेंस रूमर्स जो है ये बना। अब ये बना तो ये खबर बिहार में बहुत तेजी से फैल गई। अब बिहार में खबर तेजी से फैलने के बाद क्या हुआ कि लोगों को पता चल गया कि आने वाले टाइम में नमक की कमी देखने को मिलेगी बिहार में, ऐसा आइडिया लगा। और उनको ये एक्सपेक्टेशन भी था कि फ्यूचर में फिर तो नमक के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन था कि फ्यूचर में इसके जो है प्राइस बढ़ेंगे। तो क्या होने लग गया, करंट में ही लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया। अब जब करंट में डिमांड करना शुरू कर दिया तो 2014 में नमक 200 रुपए किलो तक बिक रहा था बिहार में,
तो नमक के प्राइस बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, और इसका डिमांड भी बढ़ता जा रहा था, लोग स्टॉक करने लग गए थे। तो आप बताओ, प्राइस भी नमक का बढ़ रहा है और साथ में इसका डिमांड भी बढ़ रहा है इस वजह से, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में इसकी प्राइजेस बढ़ेंगे, इस वजह से प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ रहा है। तो क्या यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड है? लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है इनमें इनवर्स रिलेशन होता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, क्लियर है? लेकिन जब फ्यूचर में प्राइस में एक एक्सपेक्टेशन आ जाएगी प्राइस बढ़ेगी, तो अगर उसकी प्राइस करंट में बढ़ने लग जाए तब भी उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, ये एक एक्सेप्शन हो गया। मेरी बात समझे? तो पहले आपको समझ आया प्राइस एक्सपेक्टेशन क्या है, क्लियर है? दूसरी बात अगर मैं करूं टाइप ऑफ गुड्स की, तो टाइप ऑफ गुड्स में अगर मैं एक बात करूं गिफन गुड्स की, गिफन गुड्स के बारे में ऑलरेडी हम सब ने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, अच्छे, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ हमने समझा है गिफन गुड्स के बारे में। तो गिफन गुड्स की अगर मैं बात करूं, तो गिफन गुड्स में क्या समझा आपने? गिफन गुड्स क्या होता है आप बताइए जरा, आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़ाया मैंने गिफन गुड्स क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं महा घटिया वस्तु। महा घटिया वस्तु कौन से लोग उपभोग करते हैं? कोई उपभोग करना पसंद नहीं करता है, लेकिन अगर कोई कंजम्पशन कर रहा है, अगर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है जो महा घटिया है क्वालिटी में, तो इसका मतलब साफ है कि उसके जरूर एक आमदनी की मजबूरी है। अगर आप गिफन गुड्स के कंज्यूमर देखेंगे अपने आसपास जो गिफन गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो वो उनमें उनकी इच्छा आपको नजर नहीं आएगी, उनमें उनकी इच्छा नहीं होगी, उनकी मजबूरी होगी। उनका मन अगर आप टटोलेंगे तो उनका मन ऐसा करेगा कि भाई साहब कि कैसे मेरी आमदनी बढ़े, कि मैं इन गिफन गुड्स से आजादी लूं और थोड़ा सा अच्छी चीजों की तरफ मैं मूव करूं। तो ये एक वो जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा के ऊपर या गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो किसी तरीके से अपने लिए दो वक्त का भोजन का इंतजाम कर पा रहे हैं, ऐसे लोग गिफन गुड्स पर इनको निर्भर होना पड़ता है, ये गिफन गुड्स के कंज्यूमर होते हैं, ठीक है? अब गिफन गुड्स के कंज्यूमर होते हैं तो जाहिर सी बात है लो लेवल ऑफ इनकम होता है इनका, ये बात तो आप समझ गए कि इनका जो है लो लेवल ऑफ इनकम होगा। तो लो लेवल ऑफ इनकम होगा, तो चलिए मैं मान लेता हूं कि इस महाशय की इनकम जो है वो 20 रुपए है, ठीक है, और ये 1 kg, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाजरा जो है वो महाघटिया वस्तु है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बाजरा बहुत अच्छी चीज है पेट के लिए और हेल्थ के लिए शानदार चीज है, क्लियर है? इसे मोटे अनाज में काउंट करते हैं, शानदार चीज है। लेकिन आज के टाइम में जो चीजें माइंड सेट कर दी गई हैं, विदेशी शिक्षा का जो प्रभाव पड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल में लिखे जाते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं मेंशन कर रहा हूँ, बट देखा जाए हेल्थ के परस्पेक्टिव से तो ये एक अच्छी चीज है। तो 1 kg की मैं बात करूं बाजरे की, तो अगर आप 1 kg बाजरा जिसका रेट क्या है 15 रुपए, क्लियर है, और आप क्या करते हैं अपने परिवार को और 5 रुपए का आप कोई वेजिटेबल ला पाते हैं, बड़ी मुश्किल से बचे 5 रुपए, इसका आप कोई वेजिटेबल ला पाते हैं, और आप अपना परिवार चलाने के लिए आपको एक दिन में 2 वक्त का भोजन आपको ग्रहण करने के लिए आपको 1 किलो बाजरे की नीड है, तो यहां पर आप 1 kg आप बाजरा ले आएंगे और प्लस में आप इसका जो है प्लस 5 रुपए में जितनी वेजिटेबल आ पाए आप ला करके बना करके आप अपना किसी तरीके से अपने परिवार का अपना पेट भर पाओगे, अपने लिए कैलोरीज आप उतनी मैनेज कर पाओगे। लेकिन आप एक बात बताइए कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है, पहले प्राइस 20 रुपए थे, अब प्राइस इंक्रीज होकर के अब प्राइस होगी आपके पास में क्या, मान लो 22 रुपये, 15 रुपए से अब प्राइस जो है इसकी 18 रुपए हो गई है, ठीक है, प्राइस अब इसकी इंक्रीज हुई है। अब बताइए प्राइस जब इंक्रीज हुई है तो एक बार बताओ क्या इसका ऐसा एटीट्यूड रहेगा कि भैया प्राइस बाजरे की बढ़ गई है मैं बासमती चावल की तरफ जा रहा हूँ, मैं नहीं लूंगा क्योंकि बाजरा महंगा हो गया। अगर वो जा सकता था, भैया उसकी प्राइस बढ़ी है, उसकी इनकम थोड़ी बढ़ी है, अगर वो अफोर्ड कर सकता था तो वो पहले ही अफोर्ड कर लेता, वो मजबूरी से गिफन गुड्स के ऊपर है डिपेंडेड, और गिफन गुड्स की जब प्राइस बढ़ जाएगा तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। ऐसे कंज्यूमर जिनकी लो लेवल ऑफ इनकम है, इस उसके गुड्स के प्राइस बढ़ने की वजह से उनकी इनकम का लो होने की वजह से वो दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, तो ये दूसरी तरफ क्या हो पाएगा, ये शिफ्ट नहीं हो पाएगा। और ये जब शिफ्ट नहीं हो पाएगा, अगर ये 15 रुपए बाजरा पे खर्च करेगा पहले की तरह, तो बाजरा इसके पास में 1 kg नहीं आएगी, 1 kg से कम आएगी, क्लियर है? तो ये अब अपने फैमिली के जो कैलोरीज की नीड है जो वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसको 18 रुपए हो गया, तो अब इसको अपने 18 रुपए उसको यहीं पर खर्च करने पड़ेंगे।
अब 18 रुपये यहाँ खर्च करेगा तो आप उसके पास में 1 kg आ जाएगा, बाकी बचे कितने हैं उसके पास 2 रुपये बचे। अब इस 2 रुपये का कोई वेजिटेबल उसको नहीं देगा, अब ये वेजिटेबल जो नहीं देगा तो वेजिटेबल की जो कैलोरीज जो उसका लॉस हुआ है उसको भी वो 2 रुपये आप कुछ तो कर नहीं सकता। अभी 2 रुपए को भी आप बाजरे पे खर्च करेगा तो बाजरे की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो अब आप देखेंगे कि प्राइस जैसे ही इंक्रीज हुआ तो उसकी डिमांड भी क्या करनी पड़ी, उसको इंक्रीज करनी पड़ी। क्लियर है मेरी बात, समझे? अगर मैं बात करता हूँ प्राइस बाजरे की, प्राइस की गिफन गुड्स की प्राइस फॉल होने का, अगर मान लो प्राइस इसका फॉल हो जाए, ठीक है, आपके पास में प्राइस क्या हो जाए इसका, इसका प्राइस जो है वो फॉल हो जाए, अब प्राइस जो है गिर करके कितना हो जाए, 10 रुपए हो जाए। तो 10 रुपए अगर प्राइस हो जाएगा तो वो 1 kg कितने में अफोर्ड कर सकता है, वो 10 रुपए इनकम में खर्च कर करके वो क्या करेगा, वो 1 kg ले आएगा। उसका बच कितने गए, उसके पास में जो है बाकी 10 रुपए बचे, तो 20 रुपए में से 10 रुपए में 1 kg ले आएगा और बाकी 10 रुपए में वो वेजिटेबल लेगा। जब वो वेजिटेबल लेगा तो जाहिर सी बात है वेजिटेबल की क्वांटिटी बढ़ गया, अदर चीजें भी वो ला सकता है, 5 रुपए बच गया, तो फिर वहां से उसको 10 रुपए से उसको 1 kg की नीड ही नहीं है। जब पैसे बच गए उसके पास में अदर चीजों पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 kg की नीड ही नहीं, इसको तो वो लेना पहले पहले भी नहीं जाता था, तो 1 kg से कम लाएगा। तो आपने क्या समझा, प्राइस कम हुआ तो डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, डिमांड उसने क्या कर दिया, इसका कम कर दिया, क्योंकि प्राइस कम होने से उसके पास से पैसे बच गया, दूसरी तरफ जब जाएगा तो उसकी कैलोरीज अदर गुड्स से उसकी फुलफिल होगी, तो यहाँ पर उतनी क्वांटिटी की नीड नहीं होगी, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है जी, समझे? क्लियर है जी? तो यहां पर आप इस बात को समझिएगा कि गिफन गुड्स में आप देख रहे हैं कि क्या लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी क्या, एक्सेप्शन ऑफ डिमांड है, इस बात को समझिएगा, ठीक है? व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, तो ये कुछ बातें कह रहा है आपसे, उन बातों को समझना है अच्छे से। एक पहला क्या कह रहा है, गिफन गुड्स, इसको आप समझिए, इन केस ऑफ सर्टेन लाइक ज्वार बाजरा, व्हेन देयर प्राइस फॉल्स, देयर डिमांड मे नॉट राइज बिकॉज कंज्यूमर डाइवर्ट देयर एक्स्ट्रा परचेसिंग पावर कॉज्ड बाय फॉल इन प्राइस टू परचेस ऑफ सुपीरियर गुड्स सेज वीट राइस, एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर सच इंफीरियर गुड्स हुज प्राइस हैज फॉलन आल्सो फॉल, सच इंफीरियर गुड्स आर कॉल्ड गिफन बिकॉज दिस फैक्ट वॉज द एनालाइज बाय द ऑल बाय सर रॉबर्ट गिफन, एक इकोनॉमिस्ट का नाम था, उन्होंने इस बात को सबसे पहले रखा था, इसलिए इसको गिफन गुड्स कहते हैं, ठीक है? आगे क्या है, आगे कहता है स्टेटस सिंबॉलिक गुड्स, अब इस बात को जरा समझिएगा क्या है ये, पहले आपको समझ में आया प्राइस टाइप ऑफ गुड्स के अंदर गिफन गुड्स एक्सेप्शनल ऑफ डिमांड है। अब एक बात और है कि चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फैशन, अगर फैशन चेंज हो जाए, फैशन किसी एक ऐसी चीज का आ जाए और वो पूरा ट्रेंड में चल रहा है, तो आप उसकी प्राइस अगर इंक्रीज भी हो रही है तो आप उसकी कोई केयर नहीं करोगे। चीज अगर फैशन में, अगर वो महंगी भी हो रही है तब भी आप कोई फर्क नहीं पड़ते हैं, अगर वो फैशन में तो उसकी डिमांड बढ़ाओगे, तो इसलिए यहाँ पर भी आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये भी एक एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। क्लियर है जी? आगे क्या बात करते हैं, आपकी चेंज इन इनकम, भैया आपकी इनकम जबरदस्त तरीके से बढ़ गई, तो अब आप प्राइस में बढ़ने का डिमांड पे कोई खास फर्क नहीं करोगे, आप तब भी डिमांड को आप बढ़ा लोगे, तो इसलिए ये भी एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। और एमरजेंसी के स्टेज पर भी आप नहीं करेंगे। मान लीजिए अभी जो है 2019 में आप सबने वो दौर देखा जबकि कोविड आया था और लॉकडाउन लगा, और जिसपे मास्क सैनिटाइजर की बात इनिशियल लेवल पे मैं करूं, 2019 दिसंबर की मैं बात करूं, तो एक इमरजेंसी था वहां पर, जहां पर मास्क और सैनिटाइजर की लोगों को नीड थी, तो वहां पर आपने देखा प्राइस लगातार मास्क के कितने 200-200 रुपए तक मास्क के प्राइस बढ़ गए थे, लेकिन लगातार प्राइस बढ़ते जा रहे थे, उसके बावजूद भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, डिमांड कम नहीं हो रही थी, डिमांड भी बढ़ती चली जा रही थी, चाहे सैनिटाइजर चाहे मास्क हो, उस दौर में इमरजेंसी सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है ना? तो ये वही चीजों को थ्योरी में एक्सप्लेन कर रखा है। एक होता है स्टेटस सिंबॉलिक गुड्स, अब आईफोन है, आईफोन कहीं ना कहीं जनरली लोग स्टेटस के लिए लेते हैं कि भैया आईफोन हाथ में तो लोग देखेंगे और पता लगेगा, खासकर उसके फीचर्स को लेकर की वजह से भी लोग लेते हैं, ऐसा नहीं है, बट जनरली जो एक देखा जाता है मिडिल क्लास में खासकर, उनके फीचर का कोई खास उनको यूज भी नहीं करना है, तब भी एक जिद रहती है कि उनको आईफोन लेना है, 1,00,000 रुपए तक का, 1,000 रुपए तक का फोन लेना है। क्यों? क्योंकि वो एक स्टेटस को बताएगा, दोस्त यारों में जाएंगे जब बाहर निकलेंगे तो बताएगा भैया इस पर आईफोन है, वो दिखेगा तो सोचेगा इस पर आईफोन है। तो जो चीज स्टेटस को रिप्रेजेंट करती है ना, अगर उसकी प्राइस बढ़ भी रही हो तब भी लोग उसकी परवाह नहीं करते हैं, उसकी डिमांड को करते हैं ही, तब भी उसकी डिमांड बढ़ती है। क्लियर है? तो ये कुछ बातें हैं जो ऑलरेडी मैं चर्चा में ला चुका हूं। क्लियर है? अब सवाल मेरा अभी आ जाता है क्या कि एक्सप्लेन द कॉजेस बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले मुझे बताइए लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है।
तो लॉ ऑफ डिमांड, तो आप इस बात को समझते हैं, लॉ ऑफ डिमांड की मैं बात करूं तो मैं प्राइस और डिमांड की बात करता हूं। प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज और डिमांड इंक्रीज, ये लॉ ऑफ डिमांड है। ये क्या है? ये लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है। अब मेरा सवाल यह है कि जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है आपके पास में, क्यों एप्लीकेबल होता है? ये तो हम सब करते ही हैं, ये हर कोई, जो स्कूल नहीं जाता, जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता है, वो भी इस बात को जानता है और समझता है कि प्राइस बढ़ेगा तो कम खरीदेंगे भैया, और प्राइस कम होगी तो ज्यादा खरीद के ले आएंगे। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? प्राइस बढ़ने की वजह से हम ज्यादा क्यों खरीद कर लाते हैं, और प्राइस कम होने की वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से हम कम क्यों खरीद के लाते हैं, सॉरी, और प्राइस कम होने की वजह से हम ज्यादा क्यों खरीदते हैं? तो सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला इसमें अगर आप देखेंगे, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर, ये क्या है इसको समझते हैं जरा। लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, ये एक बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण मैं यही समझता हूं। ये क्या है इसको जरा समझिएगा अच्छे से। देखिएगा, एक कंज्यूमर की एक हैबिट होती है। कंज्यूमर की हैबिट क्या होती है? कंज्यूमर की हैबिट कुछ इस तरीके से रहती है कि कंज्यूमर ये चाहता है कि मैं जो पे कर रहा हूं, जितना मैं पे कर रहा हूं, मुझे एटलीस्ट कम से कम इतना तो मुझे रिटर्न मिले, तब जाकर के कंज्यूमर पे करेगा और कंज्यूमर उसको बाय करेगा, अदरवाइज कंज्यूमर उसको बाय नहीं करेगा। आप भी एक कंज्यूमर है, आप भी दिन भर में आप 10 बार खर्चा करते हैं, और आप भी इस बात को जानते हैं, खर्च करने वक्त में आप देखते हैं कि जो मैं पे कर रहा हूं जितना, उतना मुझे, उतने के बराबर मुझे कोई वैल्यू रिटर्न मिलेगी नहीं मिलेगी, उतना मेरे को सेटिस्फेक्शन उतने रुपए का मिलेगा नहीं मिलेगा, आप इस चीज को आप ध्यान रखते हो, क्लियर है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि जब प्राइस, और आपको पता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी ये होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, और डिमिनिशिंग का मतलब होता है गिरना, तो संतुष्टि के स्तर में लगातार गिरावट आना, इसको कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये हो गया कि किसी भी कमोडिटी को अगर आप कंटिन्यूसली कंजम्पशन करोगे उसी टाइम पर, अगर आप पहले आइसक्रीम खाएंगे तो आपका एक परम सुख मिलेगा, आपको बहुत उससे आनंद आएगा, बहुत आप उससे लुत्फ उठाएंगे, लेकिन उसी समय जब आप दूसरी आइसक्रीम कंज्यूम करेंगे तो उससे भी आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा, बट पहले कंपेयर करोगे तो पहले से कम दूसरे से मिलेगा, तीसरी से उससे भी कम सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा, चौथी से उससे भी कम मिलेगा, और एक टाइम पर आकर के आपको सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलेगा और आप हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे बस अब मुझे और नहीं खानी आइसक्रीम, अगर उसी टाइम पर अगर आपसे कंटिन्यूसली कंजम्पशन करवाया जाए तो चाहे मैं एक आइसक्रीम की बात करूं, चाहे आपके फेवरेट में कोई कुछ और चीज आपके ध्यान में आ रहा है, कोई चॉकलेट आ रहा है, आप कंटिन्यूसली कंजम्पशन करके देखिए, या फिर आप एक चपाती के बाद दूसरी चपाती का कंजम्पशन कीजिए, दूसरी का तीसरी करिए, हर नेक्स्ट यूनिट से जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है पिछले के कंपेरेटिवली कम होगा, इसी को हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब आप देखिएगा, कंज्यूमर के पास में दो चीजें हैं, एक तो कंज्यूमर का स्वभाव ऊपर वाले ने ही ऐसा बनाया है कि उसका जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है, ताकि वो एक समय पर रुके। अगर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होता तो खाने से कोई उठता क्या, बताओ जरा, कोई नहीं उठता, एक चीज जो करता उसमें वो करता हो ही जाता, करता ही रहता वो, लेकिन ऊपर वाले का जो है शुक्र है कि उन्होंने क्या बनाया है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि हमारा स्वभाव ऐसा बनाया है कि लगातार अगली इकाई से हमारा संतुष्टि का स्तर गिरता चला जाता है। क्यों? क्योंकि संतुष्टि का स्तर हमारी आवश्यकता पर निर्भर होता है, और हमारी कंजम्पशन के बाद हमारी आवश्यकता पहले से कम होती चली जाती है, तो सेटिस्फेक्शन लेवल पहले से कम होता चला जाता है। ये तो है, एक बात तो हमारे अंदर ये पाया जाता है ह्यूमंस के अंदर। दूसरी बात, हम जब पे करेंगे तो हिसाब लगाएंगे, भैया उतना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कम से कम उससे ज्यादा मिल रहा है तो भी हम उसको लेंगे, 10 रुपए पे करा, 50 रुपए की चीज मुझे मिल रही है, मैं जरूर खरीदूंगा, बट कम से कम तो 10 रुपए का चीज तो मुझे मिलना ही चाहिए मेरे खरीदने के लिए। अगर 10 रुपए खर्च कर रहा हूं, 5 रुपए की चीज मिल रही है, 8 रुपए चीज मिल रही है, भैया मैं नहीं खरीदूंगा, वो लॉस है मेरे लिए, समझे। तो क्या होता है, आप एक मेरी बात समझिएगा, आप कैसे डिसाइड करते हैं, मेरे पहले बात समझिए, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी आप कंज्यूम करोगे, मेरा सवाल यह है। तो आप कहोगे सर ये हमारी नीड्स पे डिपेंड करता है, मेरी नीड्स ज्यादा होगी तो मैं ज्यादा यूनिट को लूंगा, मेरी नीड्स कम होगी तो मैं कम यूनिट को लूंगा। अच्छा जी, तो 20 रुपए प्लेट गोलगप्पे जब होते हैं तो आप एक प्लेट खा के निकल जाते हो, यहां तो नीड्स आपकी बहुत कम है, लेकिन जब शादी में ही वही गोलगप्पे फ्री मिल रहे होते हैं वहां तो आप 5-5 प्लेट सेट कर जाते हो। क्या भाई, ऐसा क्या हो गया वहां पर, वहां पर आपकी नीड्स इतनी ज्यादा कैसे हो गई? तो ये बात तो कहना गलत है कि हमारी आवश्यकता पर निर्भर करेगा हम कितनी क्वांटिटी का कंजम्पशन करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी प्राइस कहीं ना कहीं मैटर कर रही है। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं आप, क्लियर है?
अब उसकी प्राइस किस तरीके से मैटर कर रही है, अब सवाल मैं करता हूं इस चीज के ऊपर, ठीक है। अब देखिएगा जनरली क्या होता है, मेरी पहले बात समझिएगा, अगर आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, मैं पहले भी एग्जांपल ले चुका हूं फिर से ले रहा हूं कोई बात नहीं, आपको अगर बहुत तेज प्यास लग रही है, दूर दूर तक पानी नहीं है और आपके प्राण निकलने वाले हैं प्यास से, बिल्कुल मई जून का बिल्कुल ऐसा भयंकर महीना है, लू चल रहा है, उसमें आप फंसे हुए हो और आपको एक ठंडा पानी पिलाने वाला है, एक दिखा आपको, वहां जाते हो, कहते भैया कितने रुपए ग्लास, वो कहता है 20 रुपए का एक ग्लास, आप उस समय उसको बाय करोगे, उस समय आप उसको लोगे, क्योंकि आपको जो 20 रुपए खर्च करोगे मजा आपको कहीं उससे ज्यादा आने वाला है। तो यहां पर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा है, पेमेंट आपको कम नजर आ रही है, तो देन आप उस ग्लास को कंज्यूम कर लोगे, ठीक है। अब आपसे वो पूछेंगे सर दूसरा ग्लास भी लगाऊं, आपको कहोगे नहीं मत लगाओ, क्यों, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका एक ग्लास में आपकी प्यास बुझ चुकी है, प्यास अभी भी है, लेकिन अब आप सेटिस्फाइड कुछ लेवल तक हो चुके हो, आपकी नीड्स फुलफिल हो चुकी है, अब आपको उतना मजा नहीं आएगा जितना कि आपको पहले आता, लेकिन पेमेंट तो पहले जितनी करनी पड़ेगी आपको, तो अब आपको पहले क्या था कि पे ये कर रहे हो और आपको सेटिस्फेक्शन लेवल ये मिल रहा है तो आपके लिए बेनिफिशियल था, बट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी अब नेक्स्ट यूनिट से आपको ये मिलेगा, ये सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा, लेकिन आपको पे तो यही करना पड़ेगा, तो अब आपको दिख रहा है मेरे को सेटिस्फेक्शन लेवल तो मिलेगा बट मेरे पेमेंट से कम मिलेगा, आप हाँ जोड़ के बोलोगे मैं घर जाके पी लूंगा, आप तो घर तक पहुंच जाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक ग्लास वाटर ही कंज्यूम किया, लेकिन वही अगर 1 रुपए ग्लास पानी होता तो मेरा मानना है कि 3-4 ग्लास पी लेते, क्यों, क्योंकि पेमेंट इतनी जा रही है, सेटिस्फेक्शन लेवल इतना मिला, नेक्स्ट टाइम भी सेटिस्फेक्शन लेवल फॉल जरूर होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ क्यों नहीं होगा, बट पेमेंट इतनी है, बट पेमेंट से तो ज्यादा ही है ना, तो इसलिए आप उसको कंज्यूम करोगे, थर्ड टाइम भी पेमेंट से ज्यादा ही है ना तो कंज्यूम करोगे। तो क्या होता है, जब हाई प्राइस होता है ना तो सेटिस्फेक्शन लेवल को भी आपको हाई तक रखना पड़ता है, और कम यूनिट के कंजम्पशन से ही सेटिस्फेक्शन लेवल आपका हाई रहता है, और जब प्राइस आपका लो होता है ना तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस लो प्राइस पर आपके पास में सेटिस्फेक्शन लेवल अगर आपका ज्यादा लो भी चला जाता है तो आपके लिए लॉस नहीं है, तो लो प्राइस पर आप ज्यादा कम्युनिटी ज्यादा यूनिट का कंजम्पशन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल फॉल भी होता जा रहा है बट आपके लो प्राइस से तो अबव है तो उस केस में भी आपके लिए बेनिफिट होगा, इसलिए कंज्यूमर हाई प्राइस पर कम बाय करता है और लो प्राइस पर ज्यादा बाय करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रवि राज कहते हैं इन केस ऑफ अल्कोहल में जितना पीते हैं उतना सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाता है। देखिएगा इसमें एक अजम्पशन भी है कि कंज्यूमर हमारे क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, रैशनल मतलब कि उसके पास सोचने की बुद्धि होनी चाहिए, जब आप अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो उस केस में आप बुद्धिहीन हो जाएंगे, समझे, क्लियर है, और रैशनल ये अजम्पशन ही है कि रैशनल कंज्यूमर के ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं होता है, तो जी आपके ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं होगा। रविराज शर्मा जी क्लियर है, तो हां जी, तो यहां पर आपके पास में क्या है ये कि जब प्राइस ज्यादा होगी तो सेटिस्फेक्शन लेवल भी ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, वो आप कम यूनिट पर ही ज्यादा मेंटेन कर सकते हो, इसलिए आप कम यूनिट का कंजम्पशन करोगे, जब प्राइस आपकी लो होगी तो सेटिस्फेक्शन लो अगर आपका हो भी जाए तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, इसलिए यहां पर आप ज्यादा यूनिट का भी कंजम्पशन कर लेंगे तब भी आपके लिए कोई लॉस नहीं है, तो यहां पर आप ज्यादा यूनिट का कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो पहला पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी मार्जिन यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये आपका मार्जिन यूटिलिटी बारे में बता रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, हंग्री मैन गेट्स मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम द फर्स्ट चपाती एंड लेसर यूटिलिटी फ्रॉम द सेकंड चपाती, इफ ही गेट्स मोर सेटिस्फेक्शन ही विल पे मोर, अगर भैया उसको ज्यादा मिलेगा ज्यादा पे करेगा, इफ ही गेट्स लेस यूटिलिटी ही विल बाय एट अ लोअर प्राइस, अगर कम मजा आ रहा तो कम प्राइस में खरीदना चाहेगा वो, सिंस यूनिट्स गिवन इन द लेजर यूटिलिटी ही विल बाय एडिशनल यूनिट ओनली एट लोअर प्राइस, अगर उसको कम सेटिस्फेक्शन पर मिल रहा है तो कम कीमत पर ही खरीदना पसंद करेगा, उसके लिए ज्यादा कीमत क्यों देगा वो, तो लेकिन कम कीमत पर सेटिस्फेक्शन लेवल कम भी होती है तो वो खरीद सकता है उसको, समझे या नहीं समझे, क्लियर है, कोई डाउट। तो सबसे पहले लो ऑफ डिमांड क्यों एप्लीकेबल होता है, लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एप्लीकेबल होता है, और एक दूसरा क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अब आप कहेंगे सर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, जरा समझिएगा आप, मैं बात कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की,
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? प्राइस है किसी कॉमोडिटी के 20 रुपीज पर केजी, ठीक है, एप्पल है, ठीक है जी, और आपने प्लान कर रखा है एप्पल और आप दो फ्रूट लेंगे तो आप मैंगो भी लेंगे, और मैंगो का जो प्राइस है वो भी इसके अपनी एक प्राइस है मार्केट में जो भी है इसका 30 रुपए इसकी प्राइस है पर केजी, ठीक है। आपने सोचा कि 50 रुपए आपकी इनकम है, इसको हम बोलेंगे मनी इनकम। आपको समझ में आया पहले क्यों आपको पढ़ाया गया है, पहले यूटिलिटी क्यों पढ़ाया गया, सब क्यों पढ़ाया गया, ताकि आप चीजों को आगे जल्दी से कैच करोगे, समझे। डिमांड इसलिए पहले नहीं पढ़ाया आपको, ये क्या आपके पास में मनी इनकम है। आपने प्लान करा कि भैया 1 kg ये लेंगे 1 kg ये लेंगे, लेकिन आप मान लीजिए प्राइस सस्ता हो जाए, प्राइस फॉल हो जाए, ठीक है, क्लियर है। तो दो इफेक्ट पड़ेगा इस पर, अगर आपके पास प्राइस इसकी फॉल हो जाए, मान लो प्राइस आपके पास में क्या हो जाए 10 रुपए हो जाए, 10 रुपीज प्राइस क्या हो जाए 10 रुपए पर केजी हो जाए, तो आप बताइए पहले इस पे कितना खर्च कर रहे थे आप। इस पे पहले आप 20 रुपए खर्च कर रहे थे ना अपनी इनकम का, और यहां पे कितना खर्च कर रहे थे आप 30 रुपए खर्च कर रहे थे। तो अब आपका प्राइस 10 रुपए हो गया, तो अब आप उसी 20 रुपए में कितना खरीद सकते हो। एक तो आप 1 किलो तो वैसे ही खरीद सकते हैं 1 kg, 10 रुपए आप ले सकते हैं, प्लस 10 रुपए बच जाएगा, तो प्लस जो आपका 10 रुपए बचा, 10 रुपए बचा, ये 10 रुपए की वजह से भी आप क्या कर पाओगे, इसको 1 किलो आप और ले पाओगे, क्लियर है। इसको हम बोलेंगे इनकम इफेक्ट। इनकम मतलब परचेसिंग पावर बढ़ गई ना 10 रुपए की, इसको हम बोलेंगे इनकम इफेक्ट की वजह से, परचेसिंग पावर की वजह से आप इसको 1 किलो ज्यादा ला पा रहे हो। लेकिन आप देखोगे इतना सस्ता 10 रुपए किलो, वहां 30 रुपए का हम क्या करेंगे भैया। जनरली क्या होता है, जब कोई मार्केट में सेल्स नजर आ जाए ना, कुछ सस्ते नजर आ जाए, भले हम कुछ और लेने जा रहे हो, देखते हैं ये सस्ता, अरे यहाँ तो रूट मच रही है, उसको छोड़ करके वही पैसा हम यहाँ लगा कर ये ले आते हैं। तो क्या अगर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, समझे नहीं समझे। अब आप क्या करोगे, इस पैसे को भी यहाँ पर आप सोचोगे, चलो यार यहाँ पर है ना एक काम करते हैं, 30 रुपए किलो है, तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पर हम कुछ क्वांटिटी कम लेते हैं, 10 रुपए यहाँ से हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, सामान थोड़ा और आ जाएगा, समझे नहीं समझे आप। तो ये आपके पास में 10 रुपए शिफ्ट करोगे तो आपके पास में 1 kg क्वांटिटी आप यहाँ पर और ला पाओगे। तो ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मेरी बात समझे नहीं समझे। तो जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा करने के पीछे रीजन क्या होता है, तो आपकी परचेसिंग पावर बढ़ गई इस वजह से, और दूसरा आप सब्स्टिट्यूट हो गए इसकी तरफ, तो दोनों की वजह से आप इसकी डिमांड ज्यादा कर पा रहे हो। तो यही है लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल। लॉ ऑफ डिमांड कहता यही है कि प्राइस कम होती है डिमांड ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से होती है, समझे। और एडिशनल कंज्यूमर का मतलब क्या है जरा समझिए आप। मान लो मिठाई काजू कतली सस्ती हो जाए 400 रुपए किलो, तो वो लोग जो पहले काजू कतली बर्फी मिठाई को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, प्राइस कम होने की वजह से अब क्या होंगे, कंज्यूमर एडिशनल हो जाएंगे, नए कंज्यूमर उसकी तरफ ऐड हो जाएंगे, अब वो उसको अफोर्ड कर पाएंगे, जिसकी वजह से उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो प्राइस कम होने से एडिशनल कंज्यूमर भी आ जाते हैं। तो ये सारे रीजन क्या है, ये सारे रीजन किस चीज के हैं, आपके लॉ ऑफ डिमांड के पीछे ये रीजन है, क्लियर है जी, समझ गए। तो आज की कक्षा में हमने ये पढ़ लिया, लॉ ऑफ डिमांड, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का जो है कहानी को वो बढ़ाएंगे, इसके आगे कहानी को हम कंटिन्यू करेंगे, क्लियर है। मिलते हैं फिर हम अगली कक्षा में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।